हेलो फ्रेंड्स, asosomkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ ये डिलीशियस एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी, जिसको बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और खाने में तो ये इतना सुपर डिलीशियस यम्मी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो आप भी कुछ इसी तरीके से स्मूथ सिल्की बैटर और बिना किसी ओवन के परफेक्ट केक बनाएंगे। चेरी सिरप भी मैंने आपके संग शेयर कर दिया है, साथ में ही चेरी की टॉपिंग आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं, एगलेस केक बनाने के शौकीन हैं और बिना ओवन के बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप प्लीज पूरा देखें। पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक छन्नी रख दी है, उसमें एक कप ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया है और एक चौथाई कप डाल दिया है अनस्वीटन कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या करेगा, हमारे केक की मिठास में एक बैलेंस बनाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे, छानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इनमें कोई भी लम्स अगर बन गए हैं तो वो हट जाएंगे और हमारा जो केक बैटर है वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनेगा, कोई भी लम्स उसमें क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो एक बार इसे फाइनली फिर से मैं मिला रही हूँ छानने के बाद और इसे साइड रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फिर से मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल रही हूँ अनफ्लेवर वाला कुकिंग ऑयल, आज मैं यूज कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर के लिए आप क्या करें, चीनी ले लें नॉर्मल अपने घर की और उसको मिक्सी में बिल्कुल फाइन पाउडर जितना पीस ले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि पाउडर शुगर और हमारी ऑयल और हमारा ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, बढ़िया से मिल जाए और फ्लफी हो जाए। जब तक लाइट ना हो जाए तब तक आप इसको मिलाते रहें। इसको मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कंडेंस मिल्क, जो मिल्क मेड आता है, मिठाई मेड आता है वो आप ले सकते हैं, और साथ ही सेम क्वांटिटी 1/4 कप ले रही हूँ फ्रेश दही। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपने। और इसको अब हम अच्छे से स्मूथली मिला लेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक आपको अच्छे से ये मिक्सचर को मिलाना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं है। और अगर आपको इसमें कोई भी लम्स दिख रहे हैं तो आप प्लीज उसे डिसॉल्व कर दें, बिल्कुल ही हटा दें, हमें बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ बैटर चाहिए। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं यूज करना है तो आप 1/2 कप दही यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने जो अपना ड्राई इंग्रेडिएंट बना के रखा था उसे मैं 1/2 1/2 करके इस तरह से मिलाते हुए चला लूंगी। पहले मैंने जितना डाला है उसको मैं पहले मिलाऊंगी। इसको पूरा मिलाने के बाद 1/2 जो बचा हुआ है वो हम डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे, पूरा कवर करेंगे, जितना मिलना है उतना मिलाएंगे। इसको करने में थोड़ा सा हार्ड लगता है बट कोई बात नहीं, आप अच्छे से स्लोली स्लोली इसमें ऐड करते जाएं। अब इसको मिलाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 कप रूम टेम्परेचर पे मिल्क। मिल्क कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ग्रेजुअली ऐड करके डालें। अगर एक संग ज्यादा डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है वो बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा तो केक बिगड़ जाएगा हमारा। तो धीरे धीरे करके ही डालें, जरूरी नहीं है कि एक ही कप लगे, मेरा 1 कप लगा है बट आपका 3/4 भी लग सकता है, आपका 1 कप से ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके ऑल पर्पस फ्लावर के क्वालिटी पे, मैदे की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से 4 से 5 बार मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब इसको हम हमारे पहले से ही ग्रीस करे हुए केक टिन में डाल देंगे। केक टिन को मैंने आज बटर पेपर से कवर करा है, आप इसकी जगह ऑयल को पहले ग्रीस करके फिर उसमें सूखा मैदा डस्ट कर दें। यहाँ मैंने पहले से ही एक पतीले यानी भगोने को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, प्री हीट हो गया है 10 मिनट में हमारा भगोना बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसे लिफ्ट करने के लिए एक रिंग स्टैंड भी इसमें डाल दिया है। तो हमारा केक टिन मैंने इसमें रख दिया है अच्छे से और ढक्कन को हम तुरंत लगा देंगे, 35 से 40 मिनट के लिए आराम से बेक होने देंगे। तब तक हम तैयार करेंगे हमारी शुगर सिरप। शुगर सिरप आज थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी शुगर सिरप यूज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप में डाल लिया है पानी, गर्म पानी है ये कम से कम 1/2 कप, और इसमें 1/2 कप की जितनी ही चेरी है जिसको मैंने काट के
रख लिया था। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ और 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी चेरी ने अच्छे से अपना फ्लेवर और कलर दोनों ही रिलीज कर दिया है। थोड़ी हार्ड होती है तो ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके सिरप को हम अलग कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी में रख लिया है छन्नी को और इसका जितना भी लिक्विड यानी वॉटर है सिरप है छान लिया है और जो ऊपर की चेरी है इसको आप ना फेंके, इसका यूज होगा हमारे रेसिपी में। तो इसको साइड रख लेंगे, इसको हम अपने डेकोरेशन में यूज करेंगे। अब शुगर सिरप थोड़ा सा मीठा तो नहीं होगा तो मैंने इसमें डाल दी है 1 बड़ी चम्मच पाउडर शुगर। तो इसको अब हम अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं यूज कर रही हूँ वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जब डलेगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे इस ब्लैक फॉरेस्ट केक में आएगा। मिलाते रहेंगे अच्छे से, चीनी को अच्छे से डिजोल्व कर देंगे। पाउडर शुगर है तो जल्दी हो जाएगी। अब इसे साइड रख लेंगे। 30-40 मिनट हो गए हैं, हमारा केक को भी चेक कर लेते हैं। इंसर्ट करेंगे केक के सेंटर में टूथपिक से। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है। जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है हम बना लेंगे हमारी विप क्रीम। उसके लिए मैंने एक स्टील का बाउल ले लिया है और उसमें डाल दिया है बर्फ। बर्फ के ऊपर मैंने रख दिया है 15 मिनट पहले ही फ्रिज में रखे हुए ठंडे एक और मिक्सिंग बाउल को, और उसके साथ ही मैंने बीटर की यहाँ पे ये हुक्स हैं इनको भी ठंडा कर लिया है और इसको मैं साइड रख दूंगी। और अपने अब मैंने बाउल में ले लिया है 1 कप चिल्ड व्हिप क्रीम। क्रीम को आप जब भी यूज करें तो चिल्ड करना जरूरी है, उसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। व्हिप क्रीम को यूज करने से पहले आप एक बार शेक जरूर कर लें, मतलब अच्छे से हिला लें पैकेट में। तो अब मैं इसको बीट कर लूंगी 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम स्पीड पे। और ये जब ये थिक होने लग जाएगी मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर और फिर इसे फाइनल मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई स्पीड पे बीट कर लूंगी। क्रीम बनके रेडी हो गई है, काफी स्टिप पीक्स आ गए हैं और आप काफी क्लोज भी देख सकते हैं, हमारी व्हिप क्रीम बनके रेडी हो गई है। केक को ठंडा कर लिया है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसके जो एजेस हैं उसको मैं एक चाकू की मदद से लूज कर दे रही हूँ। लूज करने से क्या होगा, हमारा केक अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा। अब इसको एक प्लेट पे हम अच्छे से पलट देंगे, टैप कर देंगे और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये केक स्पॉन्ज चॉकलेट का हमारे ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए बनके रेडी है। आप देखने से ही लगा सकते हैं अंदाजा कि ये कितना स्पॉन्जी है, कितना फ्लफी है और बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं इसके जो ऊपर का अनइवन पार्ट है इसको ट्रिम कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं स्पॉन्ज की 2 लेयर कर रही हूँ, आप अपने पसंद से 3 लेयर भी कर सकते हैं। अब मैंने चाकू को बस हल्के हल्के राउंड शेप में कट मारा है और इसे मैं थ्रेड से यानी धागे से काट रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी स्लाइस कटती है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही आसान है और आपकी जो स्लाइस है वो बिल्कुल बढ़िया कटेगी। अगर आपके पास बड़ा नाइफ नहीं है तो इस मेथड से तो ये बढ़िया परफेक्टली कट जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ये स्लाइस कट के तैयार हुई है। अब हमारे केक की फाइनल डेकोरेशन करते हैं। तो केक बोर्ड में थोड़ी सी यहाँ पे मैं क्रीम अप्लाई कर दूंगी। क्रीम अप्लाई करने से जो हमारी केक स्लाइस है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, मतलब स्टेबल रहेगी। तो ये आप जरूर करके देखें, काफी स्टेबल रहता है हमारा केक पूरी डेकोरेशन के दौरान। तो रख दी है मैंने यहाँ पे एक स्लाइस और इसे हमारी पहले से बनी हुई चेरी शुगर सिरप से सोक कर देंगे अच्छे से। अब इसको मैंने अच्छे से कर दिया है सोक। व्हिप क्रीम को मैंने अपने इस पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है केक को डेकोरेट करने में, इससे समय की बचत होती है और साथ ही हमारे ज्यादा टूल्स खराब नहीं होते। तो पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए आप व्हिप क्रीम को और अच्छे से उसका नीचे का टॉप काट लीजिए, थोड़ा मोटा काटिए ताकि जो व्हिप क्रीम है वो थोड़ी सी मोटे लेवल पे निकलेगी। अब इसे एक पैलेट नाइफ की मदद से मैं बिल्कुल लेवल कर ले रही हूँ। इसको आपको ज्यादा नहीं फैलाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको हल्का सा स्प्रेड कीजिए। हमारी ये आइसिंग जो है ये हो गई है, नीचे वाली हो गई है। अब देखिए जो चेरी के हमने जो चॉप रखे थे हम इसको केक की आइसिंग के बाद इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। अब जब इसका बाइट आएगा ना हमारे केक को खाते समय तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल बेकरी वाला
ये ब्लैक फॉरेस्ट केक लगने वाला है, तो इसके ऊपर मैंने रख दिया है एक और हमारी दूसरी केक स्लाइस, और इसको भी फिर से मैंने चेरी शुगर सिरप से सोक कर दिया है। काफी अच्छे तरीके से सोक करना होता है ताकि जो हमारा केक है वो मॉइस्ट बना रहे। और इसमें मैंने फिर से व्हिप क्रीम की वही लेयर को अप्लाई कर दिया है अच्छे से। अब इसे बढ़िया से मैंने दिया है फैला। अब व्हिप क्रीम को ऊपर से सेट करने के बाद मैं यहाँ पर क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग का मतलब होता है कि आप जो भी क्रीम अभी इस समय बची हुई है उसको ही लेके अच्छे से एक बार बढ़िया तरीके से केक को कवर कर दें, फिर फाइनल डेकोरेशन के लिए जो फ्रॉस्टिंग यूज कर रहे हैं वो करें। देखिए इस तरीके से मैंने इसको लंबा लंबा लिया है, आप इसे गोल भी ले सकते हैं। इसमें बहुत आसानी लगेगी आपको क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट करके ली है, तो ये वैसे ही रहेगा। और ऊपर से इसको हम बिल्कुल इवन कर देंगे। मैं यहाँ पर चॉकलेट की क्रश को डाल रही हूँ इस तरह से। अब पाइपिंग बैग में भर ली है मैंने अपनी फाइनल आइसिंग के लिए व्हिप क्रीम, और इसमें मैं स्टार नोजल से बना रही हूँ। इस तरीके से सिंपल सी है ये हमारी ये डेकोरेशन की फ्रॉस्टिंग, बहुत इजी है, मुझे तो यही पसंद आती है। और मैं ज्यादातर केक शॉप पे यही देखती थी कि इसमें बस खाली स्टार्स बना दिए हैं, बीच में ढेर सारे चॉकलेट्स रख दिए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका केक बहुत सुंदर लगने वाला है। मेरे पास रखी थी चॉकलेट गनाश, अब मैं इसमें फाइनली रख दे रही हूँ हमारी चेरी। बिना चेरी के ब्लैक फॉरेस्ट केक इनकम्प्लीट है, तो बेकरी वाले जब भी यूज करते हैं ना केक को तो चेरी तो लगाते ही हैं, भला उसे कोई खाए या ना खाए, लेकिन उसका स्वाद तो सबको चाहिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक हमारा बिना चेरी के नहीं होता है कंप्लीट। तो अब हमारा केक बनके हो गया है रेडी। तो आपको ये कैसा लग रहा है केक मुझे कमेंट्स में बताएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गया है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक एगलेस और बिना ओवन के। ये आपको देखने में आसान लग रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बनाने में भी आसान लगेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए अपने और अपने फैमिली के साथ इस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी को। बाय बाय।